ये इसका लैब है बच्चे का, यहाँ है क्लिनिक का। कितनी बार दिखाया था वहाँ गोली लेकर? कितनी बार? दो तीन बार। जब दो तीन बार में ब्लड टेस्ट करा हूँ, ब्लड टेस्ट करा के देखो कुछ इन्फेक्शन। नाम बोलो। राधेश्याम। राधेश्याम ऐसा है ना, जैसा रहेगा कल मुझे एक बार बता देना सुबह में आके। वहाँ रिजवान भाई आज जो कैंप रखा गया है वो किस चीज़ का कैंप था और इसके बारे में क्या जानकारी देंगे? सबसे पहले तो मैं हमारे 14 गांव के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जीवन वनीकर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं हमारे इधर जब से ऑफिस ओपनिंग हुई है, जब एक नहीं दो नहीं तीन तीन ऑफिस हो गए यहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की, और यहाँ पे क्लिनिक है, तीन तीन क्लिनिक चार चार है, लेकिन संडे के दिन बंद रहता है। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके पास पैसा नहीं रहता है कि बेचारे दवा ले ले, तो मैं क्या सोचा संडे के दिन बंद रहता है तो मैं अपना चालू कर दिया हूँ यहाँ पे, अपन फ्री में दवा देते हैं। तो ये हर संडे होगा? हर संडे होगा 7 से 9। किन किन चीज़ों का मतलब ट्रीटमेंट चल रहा है, या मतलब जो कैंप, जैसे बहुत से कैंप ऐसे होते हैं कि एक नॉर्मल डॉक्टर के पास जैसे दवाई ली जाती है वैसे ही होगा? कोई कोई बड़ी बीमारी का भी इलाज का यहाँ कैंप चल रहा है? यहाँ पे कैसा है सर, जो भी आएंगे हमारे डॉक्टर साहब हैं, इनके बहुत बड़ा सहयोग है, जो भी आएगा उसका इलाज होगा। सर अभी तक कितने पेशेंट आपके पास आ चुके हैं जब से आप बैठे हो? तकरीबन 30 से 35 पेशेंट देख चुके। और कैसा रिस्पॉन्स रहा? ठीक है, अच्छा रिस्पॉन्स है, 30 से 35 पेशेंट देख चुके हैं। जनरली जो पेशेंट आ रहे हैं कॉमन कोल्ड वगैरह के आ रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। बाकी कुछ ऐसा लग रहा है किसी को कुछ है तो फिर मेडिकल से भी प्रिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है। अच्छा। बहुत कम, मतलब पूरी कोशिश ये है कि यहीं से मेडिसिन प्रोवाइड करा जाए। अब तक जितने पेशेंट आए उसमें कोई बीमारी के, कोई गंभीर बीमारी के पेशेंट आपके पास आए 14 गांव के, या नॉर्मल पेशेंट आए? नहीं नहीं, नॉर्मली जो चल रहा है, जो कोल्ड चल रहा है वो आए हैं, कुछ आई वगैरह के आए हैं। तो इंशाल्लाह आगे देखा जाएगा, ऐसा रहेगा तो आई कैंप वगैरह भी रखेंगे, चश्मे वगैरह के लिए भी रखेंगे इंशाल्लाह। जैसा कि आई कैंप की बात हुई है तो आई कैंप का भी जो किया जाएगा वो भी फ्री में किया जाएगा 14 गांव राष्ट्रवादी की तरफ से, या उसका भी कुछ चार्ज लगाया जाएगा? अभी सर बहुत सारी चीजें हैं जो हम करने वाले हैं, वो आपको टाइम आएगा तो बताएं। जैसे कि राष्ट्रवादी की ऑफिस ओपनिंग के बाद ही यहाँ पर जो 14 गांव में जो लोगों को सुविधा हासिल हो रही उसके बारे में क्या बताएंगे? यहाँ पर काफी पार्टियों ने अपने दावा भी किए, तो उस दावों को लेकर क्या बोलना चाहेंगे? कैसा सर, ऑफिस खोलना बड़ी बात नहीं है, काम करना बड़ी बात है। और ऑफिस खोल के अगर कोई सोचे हम चुनाव जीत जाएंगे तो ये गलत फहमी है, ये दिमाग से निकाल दे। ये अपोजिशन का आप पे भी आरोप लगेगा कि इलेक्शन के टाइम पे ये कैंप क्यों लगाया गया? सर ये कैसा है, हमारी ऑफिस खुल के 8 से 6 से 7 महीना हुआ है, तो जब से ऑफिस ओपनिंग हुई है तो बीच में रोड का खड्डे का काम था, रास्ता खराब थी तो वो खड्डे हमने भरवाए, कचरे गाड़ी नहीं आती थी, वो भी हमारे वर्कर साहब के वजह से कचरे गाड़ी भी आने लगी है। और इंशाल्लाह अभी देखो हमने मेडिकल कैंप भी चालू करा दिया है हर संडे 7 से 9, क्योंकि यहाँ पे संडे बंद रहता है। तो मैं सोचा कि कुछ लोग बेचारे इतना परेशान रहते हैं कि उनके पास दवा का पैसा नहीं रहता तो रिक्शा भाड़ा लगा के कैसे जाएंगे बाहर, तो मैं सोचा क्यों ना मैं कर दूं संडे को फ्री में। सर कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि जब इलेक्शन करीब आता है तभी गटर नाले और मेडिकल कैंप्स और बहुत सारी चीजें जो है इलेक्शन से 2 या 3 महीना पहले ये सारी चीजें एकदम तूल पकड़ लेती है, वो चाहे कोई भी पार्टी हो। इससे पहले जो 4.5 साल जाता है उस पीरियड में ना एनसीपी, ना शिवसेना, ना कांग्रेस, किसी भी पार्टी का कोई ऐसा मुद्दा सामने नहीं आता है कि वो कैंप लगा रही है या गटर नालों के बारे में सोच रही है, ऐसा क्यों? कैसा है ना सर, अगर हमारा पहले से होता, पहले से यहाँ कौन है सत्ता में आपको मालूम है, अभी हम यहाँ पे आए हैं तो आप हमारा काम देख लो। रिजवान भाई आने वाले वक्त में एनसीपी की तरफ से और कौन से कार्यालय यहाँ पे देखने मिलेगा? इंशाल्लाह अगर काम अच्छा रहेगा एनसीपी का तो अभी एक नहीं दो नहीं तीन तीन ऑफिस हो गए यहाँ पे और इंशाल्लाह बढ़ते जाएंगी। डॉक्टर साहब इस कैंप को लेकर यहाँ 14 गांव के लोगों को क्या जागरूक करना चाहेंगे, किस तरह ये कैंप का फायदा उठाए दर संडे के लिए? वैसा कि उसका पहले से अनाउंसमेंट जैसा कि कैंप लगा उससे एक दिन पहले अनाउंसमेंट हुआ है यहाँ पर गांव में,
ऑटो में अनाउंसमेंट किया गया है, तो लोग अपना आए, अपना यहाँ पर नाम लिखाए, टोकन लें और 7 बजे से अपना दिखाना शुरू कर दे। उसमें कैसा है अपना भी टाइम पेशेंट। हाँ, इवनिंग मीटिंग है। संडे मेरा एक टाइम जो है बंद रहता है, तो मैं वो एक टाइम यहाँ दे रहा हूँ एक सोशल सर्विस के लिए। कोई चार्जेस नहीं, ना कोई रिजवान भाई से चार्जेस है, ना पेशेंट से कोई चार्जेस है, और पूरा मेडिकेशन का जो अरेंजमेंट है वो रिजवान भाई का है। तो उसमें जो है पब्लिक का ही सपोर्ट चाहिए हम लोगों को, पब्लिक सपोर्ट करेगी तो ही बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा उठाए फायदा उठा, क्योंकि पब्लिक के फायदे के लिए ही ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑर्गेनाइज किया गया है काम। ओके सर, थैंक यू सर। भाई क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद रशीद नाम है। रशीद भाई, यहाँ पर आप कब से आए हो? क्योंकि जो कैंप लगाया गया है खास करके दवाओं के लिए, और जो हमारे डॉक्टर फजल भाई है वो यहाँ पर मौजूद है, इनको आप बहुत पहले से भी जानते होंगे। जी जी जी। कैसा इलाज करते हैं ये और कैसा इनका जो है बिहेवियर है? मैं यहाँ 4 साल से रह रहा हूँ, कभी ऐसा देखा नहीं फ्री कोई भी ऐसा लगा हुआ है। ये अभी चालू हुआ है ठाकुरपाड़ा में, और डॉक्टर भी हर कोई बच्चा बूढ़ा इनको जानता है, तो बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर है। तो उनको लोग देख के मैं भी वही सुन के आया कि ये डॉक्टर है, रिजवान भाई ने चालू किया है, जीवन वालकर की तरफ से, राष्ट्रवादी की तरफ से चालू हुआ है। तो हम लोगों को लोग तकलीफ होती थी, हम संडे के दिन दवा लेने, अभी मेरे को भी देखो फीवर पसीना आ रहा है, बीमार था, मैंने इनसे दवा लिया ये सोच के कि संडे के दिन कहाँ जाऊंगा मैं, कहाँ नहीं, तो ये सुना तो मैं आया यहाँ पे, इनसे दवा लिया। अब इतने सालों में जो भी यहाँ पे सत्ताधारी पार्टी थी या नहीं थी, ऐसे कैंप आपके सामने कभी लगाए गए? जी नहीं, ये पहला कैंप है। जी, राष्ट्रवादी आने से हम लोगों गरीबों को बहुत फायदा मिल रहा है, बहुत फायदा मिल रहा है। जी चाचा, क्या कहेंगे आप राष्ट्रवादी यहाँ पर आने के बाद से, किस तरह का बेनिफिट और किस तरह का फायदा आपको मिल रहा है? बहुत फायदा मिल रहा है सर, 4 साल से। 4 साल में क्या फायदा मिला आपको? अभी सर हर चीज की सुविधा हो रहा है, भाई डॉक्टर साहब बुला चेकअप करा रहे हैं। आज आप आज इस कैंप में किस वजह से आए इधर? ये दवा लेने के लिए। क्या हुआ आपको? मेरे पैर में सूजन है। सूजन की दवा लेने लगे तो आपको डॉक्टर ने दवा दी है? अभी अभी दिखाने आए। आपसे कुछ यहाँ पे चार्ज लिया गया है? जैसे चार्ज की कुछ बात हुई है? फ्री कैंप की बात। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम सद्दाम चौधरी है। आप क्यों आए इस कैंप में? सर मुझे बदन दर्द था, तो पता चला कि आज यहाँ पे कैंप लगा हुआ है, फ्री में दवा दिया जा रहा है, तो मुझे बदन दर्द था तो सोचा दिखा लेते हैं। जी, तो यहाँ पे दवा सिर्फ फ्री का कैंप देख करके आए हैं या यहाँ पर जो डॉक्टर अवेलेबल हैं उनको देख करके आए हैं? नहीं, डॉक्टर यहाँ जो है इनको मैं जानता हूँ पहले से। कितने सालों से जानते हैं? मैं इनको 1.5 साल से जानता हूँ, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। कैसा इलाज करते हैं? उनकी क्या यहाँ क्लिनिक थी पहला? हाँ, क्लिनिक यहाँ पे थी। अच्छा, तो मैं यहाँ से पहले इलाज करवाता था। नहीं, लोगों ने ऐसा बताया कि वो फ्री कैंप में करके सिर्फ दवाई दे रहे, तो आपका ट्रीटमेंट हो रहा है बराबर? नहीं, ट्रीटमेंट हो रहा है, यहाँ पे दवा मिल रही है, ट्रीटमेंट भी होगा तभी तो दवा मिलेगी। डॉक्टर बराबर चेकअप कर रहे हैं क्या? नहीं, आप लोगों का चेकअप कर रहे हैं? पहले भी वहाँ पे इनके क्लिनिक से मैं दवा लेता था। बहुत सी जगह देखा जाता है जहाँ फ्री कैंप होता है, सिर्फ डॉक्टर सिर्फ दवाइयों और पर्चियों पे लिख कर देते, तो वैसा यहाँ पर हो रहा है या डॉक्टर ट्रीटमेंट दे रहे हैं बराबर? ट्रीटमेंट दे रहे हैं, पर्ची पर दवा बाहर से नहीं लिखी जा रही, यहाँ पे अवेलेबल है दवा और वो दवा मिल रही है। मुझे बदन दर्द था तो मैं दिखाने के लिए इधर आया। आगे के लिए किसी तरह का सजेशन डॉक्टर मर्ज को लेकर के दिया इन्होंने? हम लोग दवा नहीं है, अभी तो आप यहाँ पर आए हो, आपको किसी तरह का मर्ज हो गया है तो? नहीं नहीं, फिलहाल मुझे तो बदन दर्द था। अच्छा, अभी जो मर्ज है वही चीज दिखाएंगे ना। आप यहाँ के ठाकुरपाड़ा के लोगों को क्या बोलना चाहेंगे इस कैंप को लेकर, इस कैंप का किस तरह फायदा उठाया जाए? ये बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पे क्या ये रिजवान खान साहब है, इनकी तरफ से ये फ्री में इलाज दिया जा रहा है, और डॉक्टर फजल नूर साहब जी का जो क्लिनिक है ठाकुरपाड़ा में, ये बेस्ट डॉक्टर हैं, सरल स्वभाव के हैं, तो मैं इनको लगभग 1.5 सालों से यहाँ पे आया हूँ, यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो 1.5 साल मुझे हो गया यहाँ पे आए हुए, तो कुछ भी दिक्कत होती थी मैं डॉक्टर साहब को दिखाता था, और इनका क्लिनिक यहीं पे ठाकुरपाड़ा में है, तो फ्री में दवा मिल रहा है, मुझे पता चला कि आज फ्री कैंप है इसलिए मैं यहाँ पे आया। मुझे बदन दर्द थी, अच्छी दवा मिली है, दवा खाए हैं, बाकी हम देखेंगे। जीवन दादा, आज यहाँ पर कैंप लगाया गया लोगों को हेल्थ को लेकर, जैसा कि यहाँ के लोगों की कंप्लेंट काफी आपके पास आई होगी, हमारे पास भी आई थी, यहाँ पर जो संडे के दिन जो डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहते, आज आपके माध्यम आपके नेतृत्व में रिजवान मोहम्मद रिजवान ने कैंप रखा है, फ्री कैंप,
हर रविवार को, उस पर क्या बोलना चाहेंगे और किस तरह का कैंप है ये? तो रिजवान भाई हमारे ठाकुरपाड़ा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के युवा अध्यक्ष है और यहाँ पर काफी दिनों से मेडिकल को लेकर बहुत समस्याएं चल रही थी, प्रॉपर लोगों का इलाज हो नहीं रहा था और बहुत सारे गरीब लोग हैं तो वो इलाज करने में उनके पास पैसा भी नहीं रहता था, उसके वजह से इलाज भी नहीं हो रहा था। तो ये समस्या हमारे युवा अध्यक्ष रिजवान भाई के पास आ गई तो उन्होंने इसको मद्देनजर रखते हुए एक फ्री मेडिकल कैंप आयोजित किया है और वहाँ पर लोगों का फ्री में इलाज उनके माध्यम से कर रहे हैं और अपने पार्टी के माध्यम से कर रहे हैं। और ये मेडिकल कैंप जो है अभी हम लोग आगे और कंटिन्यू करेंगे और हर संडे यहाँ पर ठाकुरपाड़ा में मेडिकल कैंप का आयोजन किया जाएगा और हमसे जितने भी लोगों की सेवा करने का हमको मौका मिलेगा वो हम लोग उसका लाभ उठाएंगे और बहुत सारे लोगों को हमारे मेडिकल कैंप के माध्यम से मेडिकल सेवा देने की कोशिश चौदहगांव राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसके आगे की जाएगी। अभी जैसे कि राष्ट्रवादी ने इस कैंप को आयोजन किया है, अभी दूसरी पार्टी अपना दावा करेगी कि ये तो फ्री कहां से आया है, डॉक्टर ने हमने लाया है। जैसे कि गए टाइम पे एक आग लगी थी यहां पर, फायर ब्रिगेड को लेकर भी यहां पे काफी विवाद हुआ था कि गाड़ी हमने मंगाई है, इस पर क्या बोलना चाहेंगे? और चौदहगांव में जगह जगह पे ऐसे कैंप होना चाहिए, इस पर राष्ट्रवादी कांग्रेस क्या करेगी? देखो अभी ठाकुरपाड़ा से हमने शुरुआत की है, इसके आगे 14 गांव में और भी गांव है, वहाँ की समस्या देख के वहाँ के लोगों को कैसे मेडिकल फैसिलिटी दी जा सकती है इसके ऊपर भी हम लोग सोचेंगे। और बाकी जो अन्य पार्टी है यहाँ पर जो हमेशा दावा करती है कि ये काम हमने किया वो काम हमने किया, वो अपने जेब से एक रुपया भी कभी खर्चा करते नहीं है। आज तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने यहाँ के लोगों के लिए या हॉस्पिटल का मैटर हो या पुलिस स्टेशन का मैटर हो तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने यहाँ अपने जेब से खर्चा करके लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व किए गए हैं। यहाँ पर दो गाड़ी भी अन्य पार्टी डालती है रोड के लिए तो वो भी चालू वालों से 500-1000 रुपये ये लोग वसूलते हैं और वसूलने का काम ये लोग करते हैं तो ऐसे नेकी के काम इन लोग से जिंदगी में नहीं होने वाले हैं, ये मेरा चैलेंज है उन लोगों को। सर कहीं ना कहीं ऐसे कार्यों को आज के समय में ये बताया जाता है कि ये चुनावी स्टंट है, क्योंकि जब चुनाव आता है तभी गटर नाले और रोड और ऐसे कैंप की शुरुआत की जाती है। इससे पहले 4.5 साल जो सत्ता के रहते हैं उनमें ऐसे कार्य क्यों नहीं किए जाते हैं? देखिए चुनावी स्टंट का और ये काम का कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि चुनाव तो फिलहाल इधर लगे भी नहीं है, अभी तक चुनाव का कोई मतलब अनाउंसमेंट यहाँ पर हुआ नहीं है। लेकिन एक लोगों की समस्या है और अपन यहाँ पर पार्टी ने ऑफिस खोला है लोगों की सेवा करने के लिए तो हमारा एक फर्ज बनता है कि यहाँ के गरीब लोग हैं उनको मेडिकल फैसिलिटी मिलनी चाहिए जो कि शासन के तरफ से यहाँ पर अभी तक नहीं मिल रही है। जीवन सेठ एक मेरा लास्ट सवाल, आपके जितने भी यहाँ के राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता है उनको क्या मैसेज देंगे ऐसे कामों को लेकर? राष्ट्रवादी के जितने भी कार्यकर्ता है स्पेशली रिजवान भाई है उनके साथ में हमारे अल्पसंख्यक अध्यक्ष आरिस अंसारी है, इन लोग को मतलब मेरा यही निवेदन रहेगा कि जो भी नेकी का काम यहाँ पर करना है वो आप लोग कर लो और वो हर एक काम में मेरा 100% सपोर्ट इन लोग के पीछे है।